32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. People of Kerala stolen. वो भी दूसरा उसका भी कुछ हुआ है लेकिन क्या बचा है पेपर में ऐसे है लेकिन यू डिड नो ऑनेस्टली आई डिड नो दिस वाज हैपनिंग एंड द होल प्रोसेस वी वर डूइंग वर्कशॉप्स एंड वी वर डूइंग स्टोरीज एंड वी वर वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड वी वर वाचिंग शो अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना वो चला जाए बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू बट द पेन दैट दे हैव फेल्ट आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू डेडिकेट ऑल आवर एनर्जी सो दैट व्हेन दे वाज सक्सेस वी डू जस्टिस फॉर दैट इज ऑल वी वांटेड टू डू थ्रू दिस फिल्म जैसे विपुल ने कहा हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे देख रहे थे तब इतना नहीं पता था कन्वर्जन ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम लेकिन पोस्ट कन्वर्जन दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है ये बहुत गलत है तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे वी वर नॉट ऑल फोर ऑफ अस जब हमने सुदीप को सर ने कुछ पिक्चर्स कुछ वीडियोस कुछ डिटेल्स बताई थी क्योंकि ही इज बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम एक महीने में नहीं कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर फिल्म आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रैप करेंगे कैसे एक्टिंग करेंगे कैसे उस लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था डे वन से उन लड़कियों के बारे में था क्योंकि सुदीप तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सबके बारे में जाने तो इट वॉजेंट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग आज भी लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ हो गया 150 करोड़ हो गया आपको कैसा लग रहा है ट्रस्ट मी हम लोग सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच है प्रोजेक्ट से वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ ऑल ऑफ अस क्योंकि हम डे वन पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर एक्टर वाली फीलिंग थी पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं उस प्रोजेक्ट के सब लोगों के साथ सो मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर एज ए प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगी कि मोस्ट वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है हीरो हीरोइन जैसा जो हमें सोचते हैं जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूंगी तो ऐसी पिक्चर करूंगी इसके साथ करूंगी मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहां ये आपसे भी बड़ी चीज है ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर है उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुंचे जो शायद इस चीज से गुजर रही है या गुजर चुकी हो और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है सेकेंडली मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी और मेरी नानी गुजराती है ज्यादा हिंदी समझती नहीं है उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज्यादा सच बात है क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है ये क्यों होता है हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं हम ट्यूजडे को क्यों व्रत रखते हैं वो बोलती है बस ऐसा ही है मेरे टाइम से उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है तो हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज हुआ है और एक चीज एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास पिक्चर देखने आई थी और आगे उन्होंने मेरा हाथ शेक किया मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज करके उसका कितना गलत फायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है एक चीज और ऐड करना चाहूंगी मैं कन्वर्जन के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है ऐसा कहां होता है कि ISIS और टेररिज्म
का पार्ट करता है, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफकोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है. आई वॉज रिसर्चिंग कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहां पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, आईएसआईएस का पार्ट बना रहे हो, दैट इज वेयर दे आर ऑल. Do you think there should be an anti-conversion law? Let Ada answer. Before we started the film, Surito sir ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दिखाई बोल दो लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते. आपको पता है वी कान फॉर 2 आवर्स वी गेट अन कम, 16 आवर्स एक के ऊपर एकदम, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीद इन. अभी जो लड़कियां वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं है. So you are 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, jaise hum log washing machine se kapde nikalte hain, half those bodies are broken bones, right? Because aise you stuff them in. So bodies with mangled bones come out, aadhe mar chuke hain, aadhe zinde aadhe mare. Kuch bachon ko oxygen nahi mila hai, to they are half dead half alive. To use nahi honge wo to become terrorists in the future. एंड जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स लेस बन सकती है उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है आईएसआईएस कैंप में. जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स लेस, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वॉन्ट बी ऑफ एनी यूज. सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है, शी इज बीन रेप्ड बाय 15 to 20 people एवरी डे, एंड दे आस्क हर प्रूफ. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप, हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन रेप्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ मंथ बाय 15 people per day, थोड़ा मुश्किल होगा. वो शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया. आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या वो काउंटेड नहीं होता, क्या रेप काउंटेड नहीं होता, बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजिशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया. कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन, हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज द प्रूफ, आई डोंट नो. सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रांग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क दीज क्वेश्चन नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को, एंड मैं एक एक्टर हूं एंड मैं एक लड़की हूं, आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू मी सम ऑफ देम आई टू बी लाइक हाउ कैन यू आस्क दिस. आई मीन आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट यू सीन आर यू श्योर अबाउट द नंबर, कैन यू प्रूव द रेप, हाउ इट हैपेंड, यू नो. आई एम श्योर यू दीज गर्ल्स रियली नीड अ ह्यूज हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर कमिंग हियर एंड सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड बीइंग एबल टू टेल यू देयर स्टोरीज, नोइंग दैट दे विल बी जज्ड, नोइंग दैट दे विल बी नितपिक, नोइंग दैट दे विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आर personal questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential, because when you go through something like rape and when you go through something like indoctrination and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So to be part of this project is I think we are all very, very fortunate that Vipul sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about ladies. I think on that wonderful note, thank you. Wonderful, because the story is with us.